बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर चावल और नमक का सैंपल फेल हो चुका है। राज्य की फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ने चावल को इतना घटिया पाया है कि इसमें कीड़े मकोड़े, मिट्टी से लेकर जो भी गंदगी होती है वो सब कुछ मौजूद है। यही नहीं, सरकार का आयोडीन युक्त नमक मुहैया कराने का दावा भी खोखला दिखाई दे रहा है। नमक में आयोडीन की मात्रा ही नहीं है, और मैगी के खिलाफ जो राज्य की बीजेपी सरकार ने जबरदस्त हल्ला बोला था, लेकिन अब वो खुद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मुहैया करा रहे खाद्य पान में खटिया सप्लाई को लेकर कटघरे में खड़ी हो चुकी है। अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सरकारी वितरण प्रणाली से करीब 2.25 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जाता है।